नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात करेंगे बिजनौर की, जहां सिहारा थाना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी युगल को अंबाला से बरामद किया था। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। बिजनौर जिले के सिहारा थाना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी युगल को अंबाला से बरामद किया था। इस कार्यवाही को दरोगा सुनील कुमार ने अंजाम दिया है। बरामदगी के बाद दरोगा सुनील प्रेमी युगल को लेकर शामली जिले में ठहरा, जहां रात के समय एक चौंकाने वाली घटना घटी। लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ये घटना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है और मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी। आपका नाम क्या है? प्रशासनिक कार्यशैली में हमारा लड़का कैसे वो है ये बताना। आपका नाम क्या है? ये लड़का जो है, आपके लड़के का नाम क्या है? दीपक कुमार। ये घर से कब गया था? 12 तारीख में 5 बजे शाम से। आपको कब पता चला? नहीं तो अभी पता चला। नहीं नहीं, लड़का घर से जब चला गया तो आपको कैसे पता चला? सुबह वो आए थे गल्ला करके मेरे को, लड़के पक्ष के उन्होंने बताया। लड़की के पक्ष के आए थे। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? तो तुम्हारा लड़का लड़की लेके भाग गया। हाँ ठीक है, फिर मैं कोई पता नहीं, वो आपको नहीं पता था? हाँ। उसके बाद क्या पुलिस आई आपके यहाँ? मेरे सामने नहीं आई, मैं सुबह आई। नहीं, जैसे पुलिस आई होगा, लड़का जब लड़की को ले गया तो पुलिस तो आनी चाहिए। जैसे आई, आपसे कुछ पूछा, कुछ कहा? मैं नहीं मिला, आज आई थी। क्या कहा पुलिस ने? सुबह से दबिश दी, आपको थाने को आ जाओ। अच्छा, हाँ। फिर गया आप? जा रहा था, अभी सूचना मिल गई, निकल गया था यहाँ से घर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के हैं। दिनांक 13/10/2024 को थाना सिहारा पर एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में कार्रवाई उपनिरीक्षक सुनील कुमार द्वारा की जा रही थी। इस संबंध में थाना सिहारा पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में आज दिनांक 14/10/2024 को सुबह में यह सूचना प्राप्त हुई कि उपनिरीक्षक सुनील कुमार एक महिला आरक्षी व एक मुख्य आरक्षी के साथ प्रकरण में जो है रवाना हुए थे और अपहृता और आरोपी को जो है बरामद करने के उपरांत लापरवाही बरतते हुए उन्हें अपने आवास जो जनपद शामली में स्थित है वहां पर ले गए और वहां पर जो है आरोपी की मृत्यु हुई है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा जो है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उनसे लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है और संपूर्ण प्रकरण में बरती गई लापरवाही के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी को तत्काल विभागीय कार्रवाई कर आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रीतम सिंह नाम मेरा। सर कहाँ के रहने वाले? गांव मुंडा खड़ी है जी, थाना सुबह घटना हुई है जी। युवक ने आत्महत्या की है शामली में जी। क्या मामला है? वो मामला ये था कि मुझे आत्महत्या का जो पता चला वो यहीं आके पता चला, मुझे फोन गया सर ऐसे ऐसे आत्महत्या कर ली है, और एक लड़का है हमारे गाँव का अरविंद कुमार का सैन्यू में, वो एक चुनमुन है प्रजापति वहाँ के, उनकी बेटी के साथ चला गया था, दोनों बच्चे नाबालिग हैं। हाँ, वो चले गए थे, अब वो पुलिस के कहीं हाथ लग गए हैं। तो ऐसा सर एक जानकारी चाहिए हमें, वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी या उसका अपहरण हुआ था? नहीं, अपहरण नहीं हुआ था, वो शायद अपनी मर्जी से गई है, क्योंकि वो बच्चे रात में निकले हैं, उनका गेट खुला हुआ था ऐसा सुनने में आया है, वो बच्चे अपनी मर्जी से गई थी, उसके साथ जो भी था। हाँ, रोज ज्यादा जितनी जानकारी मेरे पास है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रामीण क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब ग्रामीण अभी गांव वालों जो परिवार के लोग हैं उनके अभी आए नहीं है, जो परिवार के लोग यहाँ आएंगे जो भी वो चाहेंगे वो कार्रवाई पुलिस। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, चर्चा होगी देवघर की, जहां देवीपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मनियारपुर चौक पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वैष्णवी दुर्गा पूजा बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाई गई। यहां पूजा हर वर्ष पंडितों के द्वारा बड़े विधि विधान से की जाती है। यहां पर मेले का आयोजन नवमी, दशमी और एकादशी के दिन किया जाता है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। देवघर जिले के देवीपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मनियारपुर चौक पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2024 में भी वैष्णवी दुर्गा पूजा बड़े ही भव्य तरीके से की गई। यहां पूजा हर वर्ष पंडित जी के द्वारा बड़े ही विधि विधान से की जाती है। ये पूजा वर्ष 1991 से शुरू हुई और आज तक लगातार हो रही है। यहाँ पर मेले का आयोजन नवमी, दशमी और एकादशी के दिन किया जाता है, जिसमें लगभग इस क्षेत्र के 100 से अधिक गांव के लोग सम्मिलित होते हैं और इस मेले का लाभ उठाते हैं। कई लोग अपना व्यापार भी कर लेते हैं और अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से होता है। इस पूजा स्थल पर और मेले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए
हमारे देवीपुर थाना प्रभारी संदीप कृष्ण के द्वारा सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है। इसे लेकर थाना प्रभारी संदीप कृष्ण ने थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर आयोजित हो रहे दुर्गा पूजा के मेले के आयोजन में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। देवघर से सीनियर संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और चर्चा होगी ग्लास की, जहां गांव हस्तपुर में दहेज लोभियों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की तहरीर पर विवाहिता के पिता द्वारा कोतवाली ग्लास में पुलिस को दे दी गई है। घटना में विवाहिता के पति, ससुर, सास को आरोपी बनाया गया है। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। इगलास क्षेत्र के गांव हस्तपुर में दहेज लोभियों ने दहेज की मांग पूरी ना होने पर विवाहिता की फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया है। घटना की तहरीर विवाहिता के पिता द्वारा कोतवाली इगलास पुलिस को दे दी गई है। घटना में विवाहिता के पति, ससुर, सास को आरोपी बनाया गया है। आपका क्या नाम है? कुसुम। कुसुम, तुम्हारे पति का? कहाँ की रहने वाली है? पीरगढ़ी। यहाँ कैसे आई, क्या मामला है? लड़की मारी है जी मेरी, फांसी लगा के। फांसी लगा के मारी है, कब की बात है ये? ये नहीं पता, मेरे को फोन ही नहीं करा उनने। तो आज रात्रि में आप आए हैं, 12:30 बजे हुए हैं इस समय? नहीं, बड़े मेहमान है मेरे, दाऊ जी भी आए हैं, नानी मेरी बड़ी, उसने फोन कराया मेरे से कि मम्मी जी ऐसे ऐसी बात है, लड़की गुजर गई है। उसने भी ये नहीं बताई, बेचारे ने उन्हें क्या पता है। हाँ, मैंने की बेटा तो डेड बॉडी नहीं मिल पाई आपको? कुछ नहीं, दाग दे दिया लड़की ना। देखो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई जाएगी जो भी होगी। देखो मेरी बेटी देखा नहीं डाई। क्या नाम है तुम्हारा? टेकचंद जी। पिताजी का क्या नाम है? कोकल। कहाँ के रहने वाले हो? पीरगढ़ी से हैं जनाब। पीरगढ़ी कहाँ पड़ती है? ये जिला परवल में पड़ती है, तहसील परवल। अब आप कहाँ आए हुए हैं? अब हम फिलहाल तो वो यहाँ इगलास थाने के सामने खड़े हुए हैं। क्यों खड़े हुए हैं, क्या मामला है? ये मामला ये कि जो लड़की का मैं मौसा लगता हूँ जी, और ये लड़की की जो हमारी यहाँ पे कौन सा नाम है, हस्तपुर में 9 या 23 में शादी हुई थी। तो अब फिलहाल जो था कि इन्होंने कुछ बताया ना, लड़की को फांसी दे के इन्होंने मार दिया है। तो इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन कैसी भी नहीं दी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको सूचना नहीं दी? कोई सूचना नहीं थी। तो जो हमारी बड़ी लड़की है वो इनके रिश्तेदारी में से थे, उन्होंने ने बताया या इनको पता पड़ा, इसी बात की हमें नहीं पता। हमारे पास उनका फोन आया था जी कि ऐसे ऐसे बात हुई है। सबसे पहला मेन रीजन इसमें ये है सर कि अगर लड़की एक्सपायर भी होगी तो उन्होंने इनको बताना चाहिए था। क्या नाम है भैया आपका? प्रेमराज। प्रेमराज। पिताजी का? शिवलाल। कहाँ के रहने वाले हो? पीरगढ़ी। कहाँ आए हो आप इस समय? हस्तपुर। हस्तपुर आए हो, अब कहाँ खड़े हुए हो? इगलास थाने के सामने। क्यों खड़े हुए, क्या मामला है? हमारी लड़की मार दी। किन ने मार दी? हस्तपुर वाले। हस्तपुर वाले कौन है? हस्तपुर वाले रमेश और राहुल। कब हुई थी शादी लड़की की? 2023 दिसंबर 2023 में शादी की थी। किस बात को लेकर के मारपीट की गई है? दहेज को लेकर के। आप पर कोई सूचना वगैरह पहुंची है या नहीं पहुंची है? नहीं। आप कितने लोग आए हुए हैं इस समय? 60-70 लोग हैं। हस्तपुर गए थे क्या? इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। अगली खबर सूरजपुर से है, जहां जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलौटा कर्मा महोत्सव में शामिल होने मुख्यमंत्री पहुंचे गोंडवाना स्कूल में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीपैड बनाया गया था, जहां उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सूरजपुर जिला के प्रतापपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिलौटा कर्मा महोत्सव में शामिल होने मुख्यमंत्री पहुंचे गोंडवाना स्कूल में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हेलीपैड बनाया गया था, जहां 1:10 पर उनका आवागमन हुआ। उनके स्वागत के लिए प्रतापपुर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी, विधायक उदय पैकरा, बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े, सूरजपुर जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल, वरिष्ठ कार्यकर्ता कपिल देव तिवारी स्वागत के लिए सिलौटा हेलीपोर्ट पहुंचे और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का भव्य स्वागत कर सिलौटा मिनी स्टेडियम के लिए रवाना किया, जहां से प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को ताला चाबी देकर शोभा अर्पित किया गया।
सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।